हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल पार्ट जो है। अब देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, विच मे बी अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो नाउन क्या होते हैं? तो नाउन तो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में देख लिया है, अब वहाँ से जा कर के देखिए कि नाउन क्या होते हैं। तो वैसे अगर हम हिंदी में देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ही जो है वो नाउन होते हैं। अब तो नाउन किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी, कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, किसी भी चीज़ है, मतलब आप वर्ड में कोई भी किसी भी थिंग का आप नाम ले लीजिए, वो एक नाउन होती है। तो इन नाउन के आगे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ए एन द। तो ए एन द तीन आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए ही यो वर्ड जो है यूज़ किया गया है कि आर्टिकल जो है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा उसकी जो है उसकी डेफिनेशन के लिए, उसको बताने के लिए कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो आइडिया की बात करें, अगर हम लोग एक नाउन है आइडिया, तो आइडिया से पहले हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो ए ई आई ओ यू। तो ये क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स से पहले जो है वो हमारा एन यूज़ किया जाता है। तो वॉट एन आइडिया, तो आइडिया से पहले एन आएगा। तो देखिए, आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है ना एन उसके पहले लग करके। तो इस तरीके से आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब आर्टिकल देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट ए एन। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल हो गए द, इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया ए और एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। अब जो द है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आर्टिकल द कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है? तो एक हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलते हैं पॉइंट वाइज। व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी एक, कोई जो है अपने देश का, आप देखिए प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही है हमारे देश के, तो इसलिए हम लोग उनके नाम के आगे द यूज़ करते हैं, द प्रेसिडेंट। अर्थ एक ही है तो द अर्थ। पोप, पोप जो है वो वेनिस में रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक ही होते हैं, तो इसलिए द पोप। तो सिर्फ जब एक ही पर्सन या एक ही प्लेस या एक ही थिंग हो, उससे पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ हम द का इस्तेमाल करते हैं? बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, बहुत फेमस जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नाम के आगे, जैसे कि द ताजमहल, द आईफिल टावर, वो एक हैं और बहुत फेमस हैं, इसलिए उनके नाम के आगे द लगाया जाता है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट रेफर्स टू अ होल क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। सिंगुलर नाउन्स मतलब जैसे कि एक ही, कोई एक ही चीज़ है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इंडियंस है ना, इंडियंस में हम सब आ जाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, वो एक ही चीज़ है, तो सिंगुलर नाउन है ना। मगर पूरी की पूरी क्लास को, सारे के सारे इंडियंस को आप एक ही नाम लीजिए, इंडियन बोल दीजिए कि भाई इंडियन है, तो भाई क्या है, इंडियन है। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक सिंगुलर क्लास को, पूरी एक बहुत सारे लोगों को एक ही बार में आप लोग नाम लेकर के रेफ़र कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं होल क्लास या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर थिंग्स को जो रेफ़र करता है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द इंडियंस, द कनेडियंस या फिर द रिचेस्ट, सारे के सारे रिच लोग में द रिचेस्ट आ जाता है, ये वाला हो गया। फिर बिफोर द स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर, तो रिवर्स, ओशंस और सीज, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके नाम के आगे रिवर, जैसे कि द गंगा रिवर, द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस है ना, तो द हिमालयाज, ओशन द पैसिफिक ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब जो बहुत सारे द्वीपों का समूह, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस तरीके से द अरेबियन सी, ऐसे करके जो स्पेशल रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके जो नाम होते हैं, इनके आगे भी हम लोग द लगाते हैं।
और ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, बिफोर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ के आगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे, कुछ संघों के आगे, जैसे कि द यूनाइटेड नेशन, द रिपब्लिकन पार्टी, द यूएसए, इनके आगे द लगता है। तो हमारे द के ये वाले यूजेज हैं। एक और है जैसे कि बिफोर एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज से पहले, जैसे कि यूएसएसआर, द यूएसएसआर। एब्रीवेशन का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई भी बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि ये यूएसएसआर है ना, यूनाइटेड, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उससे पहले एब्रीवेशन, किसी बड़ी चीज़ को शॉर्ट में लिख देने को हम एब्रीवेशन कहते हैं। द बीबीसी, द यूएसएसआर, इस तरीके से बड़े बड़े नेम हैं, इनको शॉर्ट में लिखा गया है, तो इनके आगे भी द लगा देते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम लोगों ने देख लिया। और द ऐसी जगह भी इस्तेमाल होता है, देखिए, जहाँ पर एक ही चीज़ एक सेंटेंस में जब दूसरी बार आ रही है, तो पहली बार तो हम लोग उसको नॉर्मली लिख देंगे ए लगा कर, सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे उसको द लगा के रेफर करेंगे। अभी देखिए आर्टिकल्स का जो है, हमने इस वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, जब आर्टिकल्स के हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे ना पूरा अच्छे तरीके से, कुछ आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारे के सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ाऊंगी, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग आगे जो वीडियोज़ में देखेंगे वो किस तरीके से कहाँ पर आर्टिकल लगाने चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाने चाहिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, जो रूल्स होते हैं वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो अ बुक भी बोल सकते हैं, अ बुक नहीं हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करी है, इसलिए हम द बुक लगा देंगे। तो जब एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की जाती है तो भी द लगा देते हैं। और इस तरीके से हम जो रूल्स में हम वो पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं, डेफिनेट हमने देख लिया कैसे कैसे करते हैं, अब हम इनडेफिनेट का देखते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एंड, दो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ए और एंड होते हैं। दे आर यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और टू रेफर टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ग्रुप और क्लास। पर्टिकुलर मेंबर को हम लोग जब रेफर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ क्लास, पूरी क्लास में से सिर्फ एक मेंबर को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए आता है। एग्जाम्पल, शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो ये ए आएगा। फिर आर्टिकल ए जो है इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स वैन दीज हैव एन एडजेक्टिव बिफोर देम और फ्रेज फॉलोइंग देम, जैसे कि शी इज़ अ गुड, शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो उसके उसकी जो नॉलेज है इंग्लिश की वो काफ़ी अच्छी है। तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, हमारा आर्टिकल ए आ जाएगा। इसलिए तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब नॉलेज को हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गई, अनकाउंटेबल नाउन हो गया है नॉलेज, और एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव गुड एक एडजेक्टिव है, उससे पहले जो है वो आता है क्या, हमारा ए, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आते हैं। अब यूज़ ऑफ ए और देख लेते हैं हम क्या क्या कहाँ कहाँ करते हैं। व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मेंशन किया जाता है तो ए लगाते हैं, दूसरी बार किया जाता है तो द लगाते हैं। तो आई सॉ अ कार, मैंने एक कार देखी, ऐसे जैसे कि अगर हम लोग ये द लगाना है तो कैसे करेंगे, आई सॉ अ कार, द कार वॉज ग्रीन इन कलर, तो वो कार, मैंने कार देखी और वो कार ग्रीन कलर की थी, तो दूसरी बार कार के बारे में बात करी गई है तो द लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है, बिफोर अ वर्ड विच बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जब आती है तो भी अ लगता है, देयर इज़ अ गर्ल इन द गार्डन, तो वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स होते हैं, उसके अलावा इंग्लिश के 26 - 5, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और फाइव वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के आगे भी क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। साउंड की बात की जाती है, सिर्फ हम लोग देखते नहीं हैं कि क्या लिखा है फर्स्ट पे, साउंड आनी चाहिए उसकी वॉवल या कॉन्सोनेंट की। तो देखते हैं आगे हम एन वाले में देखेंगे क्या बात है ये पूरी। बिफोर अ वर्ड विद अ लॉन्ग साउंड ऑफ यू, जब बहुत लंबी साउंड आती है, तो देखिए यूनिवर्सिटी, वैसे तो यू वॉवल है, मगर इसके आगे ए क्यों लगता है, एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यू की इसमें यूनिवर्सिटी बहुत ही लंबी साउंड आती है, हिंदी वाला य, जब आपको साउंड आती है हिंदी वाले य की यू करके, तो उसमें क्या हम लोग लगाते हैं, ए लगाते हैं, उसके आगे एन नहीं लगाते हैं, जैसे कि ई है, अगर वैसे तो इसमें क्या है, ये वॉवल है, ए ई आई ओ यू, इनके आगे एन लगना चाहिए, मगर साउंड किसकी आ रही है, यूरोपियन बोलते हुए यू की, जब यू की साउंड आती है तो उसके आगे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल नहीं करते।
हो गया अ यूनिवर्सिटी, ये एग्जांपल आप लर्न कर लीजिए, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनिक, यूज़फुल, यूनिफॉर्म, ये चार पांच हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके आगे ए लगेगा या एन लगेगा। तो यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूज़फुल, यूरोपियन और यूनिक, जब भी यू की साउंड आए ना खिंच के, तब क्या होता है, ए लगता है उसके आगे। फिर नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड वन, बिकॉज इट साउंड्स एज इफ इट बिगेंस विद अ डब्लू साउंड। तो जब भी वन आएगा, तो वन ए ई आई ओ यू ओ वॉवल है, मगर जब भी वन आएगा तो वन से पहले हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे कि अ वन वे स्ट्रीट, अ वन ईयर कोर्स, तो वन से पहले भी हमेशा हम एक जो है ए का ही इस्तेमाल करेंगे, डब्लू की साउंड आती है जब हमारे वन में। ये वाला हो गया। समटाइम्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी के बारे में जानते नहीं है ना, जिस इंसान को हम, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं ए का। अ मिस सलीमा इज़ ऑन फ़ोन फॉर यू, तो कोई मिस सलीमा, जब हम कोई मिस सलीमा जो है वो आपके लिए पूछ रही हैं फ़ोन पर, या वो फ़ोन पर हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके आगे, उनके नाम के आगे हम लोग ए का इस्तेमाल कर लेते हैं, अ मिस सलीमा इज़ ऑन फ़ोन फॉर यू। ठीक हो गया। यूज़ ऑफ एन, एन का इस्तेमाल कैसे हम लोग करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। हम लोग एन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो शब्द है वो वॉवल की साउंड से इस्तेमाल, वॉवल की साउंड जो है हमें सुनाई को पड़ती है, जैसे एन एप्पल, एन एग, आउल, आउल में ओ आ रहा है, और आउल तो अ की साउंड आ रही है, तो इसलिए एन लगता है, ई, ए ई आई ओ यू, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके आगे एन लगता है। और फिर उससे पहले हम साउंड को भी देखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे तो हम लोग ए लगा रहे हैं क्योंकि यू की साउंड आ रही है खिंच करके। तो हम एक्सेप्शंस होते हैं भाई, इंग्लिश ग्रामर में बड़े सारे एक्सेप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं। जनरली हम लोग ए ई आई ओ यू वाला जो वर्ड आते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके आगे एन लगता है, बट कई बार हम लोग साउंड को देखते हैं तो हम ए लगा देते हैं उसमें, जब यूनिवर्सिटी, जैसे यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूजफुल, इनके आगे ए लगाते हैं, और वन जब वर्ड आता है, वन ईयर कोर्स, तो उसके आगे ए लगाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि यूज़ एन बिफोर अनसाउंडेड एच, बिकॉज एच हैज़ नो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड गिव्स नो ऑडिबल साउंड। जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी होता है, तो उसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम उसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच ओ यू आर को हम हावर नहीं पढ़ते, उसे हम आर पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग, साउंड किसकी आ रही है, साउंड तो हमारी वॉवल की आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट और आर, तो इसलिए हम लोग ऑनेस्ट और आर से पहले एन लगाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑनेस्ट और आर से पहले एन लगाया जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कब आर्टिकल्स हम लोग नहीं लगाते हैं, कब आर्टिकल्स का यूज़ जो है वो नहीं किया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, ओमिट का मतलब है उसको हटा दिया जाता है। तो इन स्पीच एंड राइटिंग, व्हेन आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर अ नाउन और फ्रेज, फ्रेज के आगे, और कब नाउन और प्रोनाउन के आगे हम लोग नहीं करते हैं, तो व्हेन जनरल नॉन काउंटेबल जो नाउन्स होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके आगे, जैसे डू यू लाइक पीनट्स, क्या तुम्हें पीनट्स पसंद हैं, तो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं, पीनट क्या है, एक नाउन है, मगर पीनट्स, कितने पीनट्स हैं हमें नहीं पता, तो हम लोग इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो जिन नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उनके आगे हम लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते हम लोग आर्टिकल जो है। देखिए, डू यू लाइक अ पीनट, एक पीनट तो नहीं होता होगा, चाहिए होता है ना किसी को, तो ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए हम लोग इसके आगे या द जो है वो स्किप कर देते हैं। और शी लाइक्स सिंगिंग, उसको जो है सिंगिंग पसंद है, तो शी लाइक्स अ सिंगिंग तो नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, सिंगिंग में बहुत सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे, या फिर उसको गाना पसंद है, तो इसलिए अ नहीं लगाएंगे। मगर यहाँ पर भी एक्सेप्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग कह रहे हैं, कोई हमसे कहेगा कि पास मी दो पीनट्स, मुझे पीनट्स को पास कर दो, तब हम लोग सिर्फ पीनट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो तब हम लोग उसके आगे द लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग डू यू लाइक पीनट्स, क्या तुम्हें पीनट्स पसंद है, स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट करके किसी को कह रहे हैं कि वो चीज़ हमें दे दो, तब हम उसके आगे द लगाते हैं। वो तो हम किसी भी चीज़ के लिए, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसके आगे तो हम द लगाते ही हैं। देयर इज़ द ट्री, वहाँ पर एक ट्री
है। तो जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब तो हम द लगाते ही लगाते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। नेम ऑफ स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द क्रिकेट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्रिकेट बोलते हैं, वॉलीबॉल बोलते हैं, हॉकी बोलते हैं, अ क्रिकेट, एन क्रिकेट, ये सब हम नहीं करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके नाम के आगे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते। अकेडमिक सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम लोगों ने देख ही लिया, जैसे कि चिल्ड्रेन आर फेयर बाय नेचर, तो नेचर से ही जो हैं बच्चे वो अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम इनके आगे भी कोई हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। नॉन काउंटेबल के आगे हमने पहले भी देख लिया कि नहीं लगाते। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय प्लेन, बाय कार, बाय अ प्लेन, बाय अ कार, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं, वो गलत होता है। तो बाय प्लेन, बाय कार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले भी हम लोग जो हैं आर्टिकल को नहीं लगाते। कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, जैसे कि रात की बात हो रही है, कोई रूम में है, इन रूम, एट मिडनाइट, तो इनके टाइम और प्लेस की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तब भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं आर्टिकल्स का। ईयर, सीजन, मंथ्स की जब 1991, इन 1991, इन विंटर, इन मार्च, अ मार्च, अ विंटर, अ 1991, नहीं नहीं ऐसे नहीं यूज़ करते। इनके आगे भी कोई आर्टिकल्स का जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन्स हैं। माउंटेन्स, अगर पर्टिकुलर माउंटेन की बात करें जाए तो माउंट एवरेस्ट हम लोग लिखेंगे। रेंजेस की बात करी जाए तो माउंट एवरेस्ट किस में आती है, हिमालय रेंज में आती है, तो हम लोग द हिमालय लगाएंगे। माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो उसका सिर्फ ऐसे ही माउंट एवरेस्ट उसका हम नाम लेंगे। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर बहुत डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी ग्रामर, बहुत अंतर होता है उसमें। हम लोग ग्रामेटिकली बहुत ही इनकरेक्ट हिंदी बोलते हैं, इसी तरीके से हम लोग ग्रामेटिकली, हम ही नहीं, ब्रिटिशर्स भी, अमेरिकन्स भी, जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो लोग भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए जो है ग्रामर जो होती है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हिंदी ग्रामर में कम होते हैं, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। ये आर्टिकल वाला जो पार्ट है कि आर्टिकल किस तरीके से कहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। सो थैंक यू।